हेलो, वेलकम बैक। ये सेकंड वीडियो है पहले चैप्टर की, क्लास 10 आईसीएसई की और क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसके कुछ प्रिंसिपल हैं, वो क्या होते हैं वो समझेंगे यहाँ पर। तो इसमें चार प्रिंसिपल हैं। पहला है एब्स्ट्रैक्शन, सेकेंड वन है इनकैप्सुलेशन, तीसरा प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस और जो फाइनल फोर्थ वाला है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये प्रिंसिपल इसलिए बोले गए हैं क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी ना वो इन चारों को फॉलो करेगी ही करेगी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन को, इनकैप्सुलेशन को, इनहेरिटेंस को और पॉलीमॉर्फिज्म को। जिस भी लैंग्वेज ने किसी एक को भी अगर फॉलो नहीं करा तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उसे नहीं बोल सकते। तो जैसे हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है या जो इनको फॉलो करती है उसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे जावा पढ़ रहे हैं आप, एक जावा हो गई, C++ एक लैंग्वेज है वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, पाइथन है वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये कुछ जो हमारी लैंग्वेज है ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होती, जो लैंग्वेज नहीं है, उसका एक एग्जांपल है सी। सी एक लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब है कि इनमें से या तो ये चारों को फॉलो नहीं करती होगी या इनमें से किसी कुछ को फॉलो नहीं करती होगी या किसी एक को फॉलो नहीं भी करती होगी तो भी हम इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते। तो मतलब जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो ये चारों को फॉलो करेगी। तो इसलिए ये चारों समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे हम ये चारों पढ़ेंगे ना तो जब हम इनको पढ़ते हैं तो हम ये लैंग्वेज स्पेसिफिक मतलब नहीं होते। ये जो चार टॉपिक हैं ये इस लैंग्वेज में भी वैसे ही काम करेंगे, जावा में वैसे ही काम करेंगे, पाइथन में भी वैसे ही काम करेंगे, लेकिन जब हम उसको लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करेंगे तो सिंटैक्स अलग हो सकता है क्योंकि भाई हर लैंग्वेज का सिंटैक्स अलग है। लेकिन जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्शन जो हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एब्स्ट्रैक्शन का काम वही होगा। इनकैप्सुलेशन यहाँ इस लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो उसमें भी वही होगा। मतलब हम यहाँ पर टॉपिक समझ रहे हैं तो ये जो टॉपिक है ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है। पहली चीज़ तो ये मत सोचना कि जावा के पार्ट हैं, जावा के पार्ट नहीं है। ये कुछ टॉपिक हैं जिनको जावा फॉलो करती है, ऐसी कई और लैंग्वेज हैं जो इनको फॉलो करती है, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो शुरू करते हैं। तो पहला है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन को डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन से शुरू करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, अगर सिंपल बात करूँ मैं एब्स्ट्रैक्शन की, तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग इंटरनल डिटेल एंड शोइंग द फंक्शनैलिटी। मतलब जो अंदर की चीज़ें हैं, जो इररेलीवेंट हैं, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यूज़र के लिए, उनको हाइड करना और जो सिर्फ काम की चीज़ें हैं वो शो करना, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब इसको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आपके जो सिलेबस है उसमें रियल लाइफ एग्जांपल पे फोकस किया गया है, ये हमें रियल लाइफ एग्जांपल से समझने हैं, ये बोला गया टॉपिक को ज़्यादातर। तो रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को कॉल लगाई, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने किसी को कॉल लगाई, फ़ोन लिया मैंने, नंबर डायल किया, मैंने यहाँ से कॉल लगाई। तो जब हम कॉल लगाते हैं तो हमें ये इंटरनल डिटेल हमें शो नहीं होती कि जैसे जो हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं, फ़ोन का एंटीना है या जो सिग्नल एमिट करता है, वो पहले डिजिटल सिग्नल हमारे कन्वर्ट होंगे एनालॉग में, फिर वो ट्रांसमिट होंगे आपके सबसे पास वाले टावर पर, फिर वहाँ टावर से जो आपका रिसीवर है उसकी तरफ डायरेक्ट होंगे। तो ये सब इन अंदर की जो इंटरनल डिटेल हैं ये हमें शो नहीं होती, हमें नहीं पता चलता जब मैं कॉल लगाता हूँ या मैं जब कोई ऐप खोलता हूँ तो अंदर क्या फ़ोन में काम होता है, किस तरीके से प्रोसेसर आपका काम करता है, कैसे मेमोरी से डेटा लोड होता है, कैसे स्टोरेज से डेटा मेमोरी में लोड होता है, ये सब हमें नहीं पता चलता। चाहे आप फ़ोन में कोई कॉल लगाओ, चाहे कोई गेम खेलो, चाहे कोई भी ऐप चलाओ, तो ये इंटरनल डिटेल है जो हमसे छुपी हुई, हमें सब ये दिखता है। जैसे मैंने फ़ोन में गेम खोला तो वो गेम कैसे रन कर रहा है हमें उससे मतलब है। अब अंदर कैसे उसकी फाइलें फैच हो रही हैं, मेमोरी में कैसे आ रही हैं, कैसे लोड हो रही हैं, कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं, उससे हमें मतलब नहीं। तो इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एक एग्जांपल हमने ये देखा। एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कैमरे की मदद से फ़ोटो कैप्चर करी या अपने स्मार्टफोन से फ़ोटो कैप्चर करी, तो चलो मैं अभी कैमरे से मानते हैं क्योंकि एग्जांपल हमने स्मार्टफोन का ले लिया पहली। तो फॉर एग्जांपल मैंने कैमरे से फ़ोटो खींची, हम बटन दबाते हैं, तो अब हमें जैसे ही हमने बटन दबाया तो क्या होता है, जो लाइट रेज आपके सेंसर में पड़ेंगी वो कैमरा उसको कैप्चर करके अंदर मेमोरी में स्टोर करता है पिक्सल की इन्फॉर्मेशन कि इस पिक्सल का ये कलर है। हमें ये सब नहीं पता रहता ना, ये आज ही आपको पता चल रहा होगा। तो ये सब इंटरनल डिटेल, ये हमसे छुपी हुई, हमें क्या दिखता है, मैंने कैमरा पकड़ा, फोटो खींची, तो फोटो जो आई वो कैप्चर होगी, हमें वो फोटो दिख रही, हम ये नहीं पता इंटरनल क्या प्रोसेसिंग हुई, किस तरीके से उसने इमेज को प्रोसेस किया, क्या लाइट कैसे कैप्चर हुई, सेंसर में कैसे पड़ रही, कि ये हमें सब यही मतलब नहीं। हम सिर्फ बटन दबाते हैं, फोटो खींची गई, हम फोटो देखते हैं, बस बात खत्म।
तो ये है एब्स्ट्रैक्शन, इंटरनल डिटेल को हाइड करना, सिर्फ जो ऊपर की फंक्शनैलिटी है वो यूज़र को शो करना, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब जो आपके कोर्स में है वो सिर्फ रियल लाइफ एग्जांपल्स हमने समझना है, लेकिन जब इसे प्रोग्रामिंग में करते हैं मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि आपने ये आगे 11th या 12th में मतलब पढ़ोगे तो हो ही, तो वैसे मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ। जो एब्स्ट्रैक्शन का जब हम यूज़ जावा में करते हैं तो उसके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, और एक इंटरफेस, ये दो चीज़ें पढ़ोगे। इंटरफेस 11th या शायद 12th में ये आ जाता है, इंटरफेस, और एक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये दो चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं जावा में, हम अंदर की चीज़ें, अंदर का जो मतलब जैसे तो पर ये अब जो जैसे हम बात कर रहे हैं कि इंटरनल डिटेल हाइड करना, तो ये इंटरनल डिटेल क्या होंगी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास में दो चीज़ें होती हैं, एक क्लास है कोई, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, तो उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक होगा डेटा मेंबर और एक होगा मेंबर वेरिएबल और एक होगा मेंबर मेथड, ठीक है। यहाँ पर मेंबर वेरिएबल होंगे और नीचे यहाँ पर क्लास में मेंबर मेथड होंगे। और मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बता रखा है जो मेंबर मेथड होते हैं ये इनके आगे राउंड ब्रैकेट आते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जो एब्स्ट्रैक्शन जिसकी मदद से होता है वो हमारे मेंबर मेथड के मदद से हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में ये दोनों में, अब इनमें भी थोड़ा डिफरेंस है वो अभी यहाँ नहीं देखेंगे, बस कहने का बस मैं ये बता रहा हूँ एब्स्ट्रैक्शन हम करते कैसे हैं इनमें। तो एब्स्ट्रैक्शन जब इनमें करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें जो मेथड है, फॉर एग्जांपल मेरे को किसी की एवरेज निकालने का मेथड है, ऐसा मेथड है एवरेज निकालने वाला, तो ये मेथड ऐसा है, ये बस मैं मेथड वहाँ पर बना के रख दूंगा, मैं इसके अंदर की जो उसकी बॉडी होगी कि इसमें कोड क्या होगा, एवरेज निकलेगा कैसे, वो मैं नहीं बताऊंगा, इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। मतलब बस यूज़र को ये पता है कि एवरेज नाम का मेथड एवरेज निकालता है, किस तरीके से निकालता है वो उसे नहीं पता चलेगा, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन। अब ये डिटेल में इसमें नहीं जाना है, ठीक है, ऊपर से आपको भी समझना है, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा इसे। तो ये है, इस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, इस तरीके से डेटा को हाइड करने में मदद करता है। अब अगर मैं बात करूँ इनकैप्सुलेशन की, ये करता क्या है, जो हमारे मेंबर वेरिएबल होते हैं और मेंबर मेथड होते हैं इनको एक तरीके से बाइंड कर देता है टुगेदर। एग्जांपल देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्लास है फॉर एग्जांपल टेस्ट नाम की क्लास है, इसके अंदर क्या होंगे, यहाँ पर ऊपर कई मेंबर वेरिएबल होंगे और नीचे मेंबर मेथड होंगे, मतलब ये दो चीज़ें होंगी क्लास में, ऊपर कहीं यहाँ पर मेंबर वेरिएबल होंगे क्लास में, दो चीज़ें होती हैं और मेंबर मेथड होंगे क्लास में। अब एक और बात यहाँ पर बता देता हूँ, जो इनकैप्सुलेशन है ये एक पूरा का पूरा चैप्टर है आपका, ठीक है, तो अच्छे से समझना है तो आप वहाँ देख सकते हैं, मैंने इस पर ये चैप्टर मैंने पूरा बना रखा है, शायद ये चैप्टर 6 होगा, मैं इसको ऊपर आई बटन पर लगा दूंगा, आप देख लेना वहाँ पर अगर आपको डिटेल में भी देखना है। तो फिलहाल यहाँ पर देखो, क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड। तो अब यहाँ पर ये मेंबर वेरिएबल, अभी इनकैप्सुलेशन की जो डेफिनेशन क्या होती है, इनकैप्सुलेशन इज रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर मेथड या मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर मेथड इनटू अ सिंगल एंटिटी, मतलब ये इसको और इसको एक सिंगल एंटिटी में बाइंड कर देता है। अब यहाँ पर देखो, ये किसी एंटिटी के अंदर रखे मैंने, मेंबर वेरिएबल मेंबर मेथड किसी के अंदर मैंने एक तरीके से बाइंड करके रखे हुए ना, ये दिख रहा है क्लास के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर दोनों मैंने एक तरीके से बाइंड करके रखे हुए, मतलब ये एक तरीके से इसकी कवरिंग है, क्लास ने इसको एक तरीके से रैपर जैसा होता है, रैपर की तरह इसको इसने प्रोटेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर मतलब ये इनकैप्सुलेशन किसकी मदद से हो रहा, क्लास की मदद से, ठीक है। तो ये एक तरीके का ये जो हम ये एग्जांपल है ये यहाँ पर इनकैप्सुलेशन में आपको शो कर रहा हूँ, मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड को मैंने बाइंड कर रखा है टुगेदर इनटू सिंगल एंटिटी, और सिंगल एंटिटी कौन है यहाँ पर, अभी क्लास है, ठीक है। तो क्लास भी हो सकती है वो एंटिटी, इंटरफेस भी हो सकता है, इंटरफेस अभी कोर्स में नहीं है तो उस पे नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्लास की मदद से हम इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, तो फ़ायदा ये है कि जो क्लास के अंदर ये मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड है ना, अब ये इस क्लास के अंदर आ गए तो दूसरी क्लास में से कोई और ऑब्जेक्ट इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब देखो, इनको इनकी जो एक्सेस होती है ना वो हमारे हाथ में, हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कौन इसको एक्सेस करे कौन ना करे। उसके लिए एक और चीज़ है, उसे हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर या विजिबिलिटी मोड, ठीक है। तो वो होते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और एक होता है डिफ़ॉल्ट। तो ये चार का यूज़ ये होता है कि जो हमारा जैसे जो भी है मेमर वेरिएबल मेमर मेथड वो कहाँ तक दिखे, उसकी विजिबिलिटी कहाँ तक हो, दूसरी क्लास में वो उसको एक्सेस कर सके ना कर सके क्या, या दूसरा पैकेज कर सके ना कर सके, वो सब डिसाइड करने के लिए हम उन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनकैप्सुलेशन है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी इसके मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड का मिसयूज़ ना कर सके। जैसे अभी तो आप क्लास 10 में हो,
लेकिन जावा का जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट में यूज़ होता है तो वहाँ पर बहुत सारी क्लास होती हैं, बहुत सारी क्लास होती हैं, किसी किसी क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। जैसे कोई आपने ऐप बना रखी, कोई गेम है आपका, कोई गेम तो बहुत खेलते हो, तो गेम के पीछे जाते हैं ज़रा, सामने सामने का देखते हैं जैसे गेम खेलते हैं, अंदर होता क्या है। आपने गेम में लॉगिन करा तो आपकी लॉगिन डिटेल होंगी कहीं ना कहीं, या लॉगिन डिटेल को छोड़ो आपका डेटा होगा ना, तभी तो पता चलेगा ये यूज़र अलग है ये यूज़र अलग है। तो किसी क्लास में आपका डेटा स्टोर है मेंबर वेरिएबल में, मेंबर मेथड में, तो वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो उसको अगर किसी ने डायरेक्ट यूज़ कर दिया, डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लिया, तो गड़बड़ी हो सकती है ना भाई, किसी और ऑब्जेक्ट ने क्या पता उसको यूज़ करके मॉडिफाई कर दिया इन्फॉर्मेशन, या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी ये इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, कि कोई और क्लास उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इसको इनको कौन एक्सेस कर सकता है कौन नहीं कर सकता। वो सब होता कैसा है वो आगे हम देखेंगे जब चैप्टर में आएंगे, और अब भी देखना चाहते हो तो आप ऊपर आई बटन पर लगा रखा है वो देख लेना। अब एक और बात सुनो यहाँ पर, अब जैसे इस क्लास के मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड हैं, तो इस क्लास का जो मेंबर वेरिएबल है कोई और मान लो उसे एसेस करना चाहता है, हमने दे रखी है एसेस कि वो कर सकता है, मतलब हमने ऐसी बना रखी क्लास कि कोई और कर सकता है उसे एसेस, तो वो इस क्लास के मेंबर मेथड के थ्रू ही कर सकता है मेंबर वेरिएबल को एसेस, डायरेक्टली नहीं कर सकता। देखो डायरेक्टली कर भी सकते हैं लेकिन ये तरीका सही नहीं है, बात समझ में आ रही, करने को कर सकते हैं लेकिन सही नहीं है। तो हम करते क्या, हम इनको ना ऐसे प्राइवेट बना लेते हैं ताकि इनको कोई डायरेक्टली एसेस ना कर सके, क्योंकि क्योंकि क्या पता कोई और इसको डायरेक्टली एसेस करके मॉडिफाई कर दे तो दिक्कत हो सकती है ना। तो इसलिए हम मेंबर मेथड बनाते हैं कि कोई अगर एसेस करना चाहे तो सिर्फ इनके थ्रू हो सके, डायरेक्टली ना हो, ठीक है। और अगर कोई वैल्यू ले देखना चाहता है, रीड करना चाहता है, तो मेंबर मेथड के थ्रू ही हो। तो इस तरीके से इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है ताकि डेटा का मिसयूज ना हो, डेटा सुरक्षित रहे। तो यह है इनकैप्सुलेशन। अब आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा जो हमने देखना था वो था इनहेरिटेंस, थर्ड है इनहेरिटेंस। तो जावा इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट करती है, नाम से पता चल रहा है इनहेरिटेंस मतलब यहाँ पर हम कुछ इनहेरिट कर रहे होंगे, जैसे नॉर्मल सी बात है हम अपने पेरेंट्स से कुछ फीचर्स इनहेरिट करते हैं, ठीक है ना, हमारा फेस उनसे मिलता जुलता होगा। तो इसी तरीके से इनहेरिटेंस हम देखो रियल लाइफ के एग्जांपल से समझते हुए चलना, मैंने पहले भी बताया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ में आएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ में आएंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन बीइंग अपने पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट करते हैं, उसी तरीके से अगर हम चाहें तो हम इनहेरिटेंस का यूज़ प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास ए है, क्लास ए है, अगर इस क्लास, अब ये क्लास ए है तो इसमें दो चीज़ें तो होंगी, मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड, ये होंगे इसमें, ठीक है। तो मान लेता हूँ यहाँ पर एक मेंबर वेरिएबल है और नीचे है मेंबर मेथड, अब कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, मेंबर मेथड यहाँ पर है। अब यही मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड में मैंने तीन क्लास और बनाई, बी सी डी नाम की क्लास बनाई, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। अब मेरे को ये जो मेंबर वेरिएबल हैं ये इस क्लास में, इस क्लास में और इस क्लास में भी चाहिए। तो अब मैं करूँगा क्या, अब देखो या तो एक तरीका है हर एक में फिर से बनाओ बार बार, या एक तरीका है इनहेरिटेंस का यूज़ करो। इनहेरिटेंस में होगा क्या, जो ये क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी है, ये हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस की मदद से हम जो इसके मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड है उनको इसमें इनहेरिट कर लेंगे, उसको इसमें इनहेरिट कर लेंगे और इस वाली क्लास में भी इनहेरिट कर लेंगे। तो जो इसके मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड हैं वो तो इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें इसके अलावा भी कुछ और हो, इसके अलावा भी मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड हो, तो वो हम कर सकते हैं। देखो अगर हम चाहें इतने जो इसमें हैं वही इसमें हो तो इनहेरिटेंस में वो तो इसमें आ ही जाएंगे, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कोई एक्स्ट्रा उसमें अपना खुद का भी हो क्लास में, तो वो भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं इस क्लास में। तो इसमें अपने खुद के मेंबर वेरिएबल मेंबर मेथड तो होंगे ही होंगे, साथ में जिस क्लास से इनहेरिट कर रही उसके भी होंगे, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। तो ये होता है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस ना चार टाइप के होते हैं, वैसे एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा हो जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तीसरा हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। जो ही मैंने एग्जांपल दिखाया ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। ऐसे एक और होता है मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब बहुत ध्यान से बात सुनना, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। तो आपके मन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं कर रही, तो हम इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं।
क्योंकि अभी तो हमने देखा था कि चारों, मतलब जो चारों फीचर हैं वो सपोर्ट करने चाहिए। तो भाई सुनो, यहाँ पर इनहेरिटेंस को तो सपोर्ट कर रही ना, मल्टीपल को नहीं कर रही, तो क्या हो गया? ये तीन तो कर रही सपोर्ट, तो इसलिए जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, इसके पीछे भी कुछ कारण हैं, वो भी यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मुझे आपको टॉपिक समझाना है। इस पर डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए याद रखना, चार टाइप के होते हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस में होता क्या है, जो बेसिक चीज़ है, होता क्या है कि एक क्लास के जो फीचर हैं, फीचर उसके जो मेंबर वेरिएबल मेंबर मेथड हैं, हम उनको दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो, और उस क्लास में अपने खुद के भी हो सकते हैं जो इनहेरिट कर रही है। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखो, जो क्लास, जैसे इस क्लास से ये क्लास इनहेरिट कर रही है ना, तो ये हो जाएगी पेरेंट क्लास। जिससे करती है वो होती है पेरेंट क्लास, जो करती है वो क्या होगी, चाइल्ड क्लास। तो ये है चाइल्ड क्लास, ये चाइल्ड क्लास है, ये वाली ये वाली ये वाली, ये है पेरेंट क्लास। इसका एक और वर्ड है, इसको हम सुपर क्लास भी बोल देते हैं। इसको अगर सुपर क्लास बोलूँगा तो ये वाली हो जाएंगी सब क्लास, ये वाली सब क्लास। इसका एक और वर्ड है, अगर मैंने इनको बेस क्लास बोला, बेस क्लास, तो ये वाली हो जाएगी डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास। मतलब याद रखना, अगर यहाँ पेरेंट क्लास बोला गया है तो चाइल्ड क्लास बोलना, तो सब क्लास बोलना ठीक नहीं है। मतलब ये पेयर में चलते हैं, पेरेंट क्लास बोला है अगर ऊपर वाली क्लास को, तो नीचे वाली होगी चाइल्ड क्लास। ऊपर वाली सुपर क्लास है तो नीचे वाली जो इनहेरिट कर रही है वो होगी सब क्लास। अगर ऊपर वाली को बेस क्लास बोला है तो नीचे वाली को बोलेंगे डिराइव्ड क्लास। तो ये तीन हैं जो आपको शब्द बहुत सुनाई देंगे, तो मैंने सारे बता दिए, ये भी सुन सकते हो, ये भी, मतलब एक ही होता है, ठीक है? तो ये होता है इनहेरिटेंस। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? जब हमें फीचर इनहेरिट करने होते हैं, मेंबर वेरिएबल मेंबर मेथड, तब हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? वैसे तो हमने समझ लिया टॉपिक क्या होता है। फॉर एग्जांपल, इतना पोर्शन हटाता हूँ ज़रा, फिर एग्जांपल देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक क्लास है व्हीकल, व्हीकल नाम की क्लास है। अब इसमें कुछ मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड हैं। इस पर कुछ हैं मेंबर वेरिएबल, जैसे मेंबर वेरिएबल, इधर मैं मेंबर वेरिएबल लिख रहा हूँ, इधर को मेंबर मेथड, ठीक है? या एट्रीब्यूट और बिहेवियर बोल सकते हो अगर रियल लाइफ की बात करें। तो मेंबर वेरिएबल जैसे नेम, मतलब जो भी व्हीकल होगी उसका नेम होना चाहिए, तो होता ही है, उसका मॉडल होना चाहिए, ये तो हो गए। तो मेंबर मेथड या बिहेवियर की बात करूँ तो इसमें है एक स्टार्ट, कि किस तरीके से स्टार्ट होगी व्हीकल। एक ही मान लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक है। अब इस व्हीकल जो ये क्लास है हमारी, इसको तीन क्लास ने इनहेरिट करा। क्लास ए है ट्रक, एक ट्रक क्लास है, उसने इसको इनहेरिट कर लिया। एक ऐसी कार नाम की क्लास है, उसने भी इनहेरिट कर लिया, ट्रक ने, कार ने। और कोई और हम ले देते हैं बाइक, एक बाइक क्लास है, उसने भी इनहेरिट कर लिया। तो जो ये मेंबर वेरिएबल है, नेम, मॉडल, नेम इसमें भी है, मॉडल इसमें भी आएगा, नेम इसमें भी आएगा, मॉडल इसमें भी आएगा, नेम बाइक में भी होगा, मॉडल बाइक में भी होगा, और भी हो सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया। अब बिहेवियर की बात करो तो स्टार्ट वाला बिहेवियर इसमें भी होगा, स्टार्ट वाला इसमें भी होगा, क्योंकि हम इनहेरिट कर रहे हैं तो उसके जो फीचर हैं वो इसमें आ चुका है। स्टार्ट वाला इसमें भी होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ट्रक में कोई और भी हो, कोई और मेंबर मेथड भी हो। फॉर एग्जांपल, इसमें एक स्टॉप करके भी है मेंबर मेथड, जबकि व्हीकल क्लास में नहीं था, ठीक है? ऐसे अगर मैं कार की बात करूँ तो इसमें एक मेंबर मेथड हो गया फॉरवर्ड, कि कैसे फॉरवर्ड होगी, ये जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ऐसे बाइक में भी, बाइक में मान लो फॉर एग्जांपल कोई और एक्स्ट्रा मेंबर वेरिएबल हो गया, जैसे यहाँ पर हो गया नेम, मॉडल, कलर। तो हमने देखा कि हम इनहेरिट कर रहे थे व्हीकल क्लास से, व्हीकल क्लास के जो फीचर हैं वो इनमें आ रखे हैं, ठीक है? लेकिन इसमें अपने खुद के फीचर भी हो सकते हैं। इस क्लास में एक मेंबर मेथड अपना खुद का भी है, ऐसे इसमें कोई और मेंबर वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है? तो ये हमने देखा कि इस तरीके से हमारे इनहेरिटेंस होता है। फीचर आएंगे जो पेरेंट क्लास है उसके, लेकिन अपने खुद के फीचर भी चाइल्ड क्लास में हो सकते हैं। ये वाली है मेरी कौन सी, पेरेंट क्लास है ये वाली, और नीचे वाली जो तीनों हैं मेरी है चाइल्ड क्लास, इनको बोलेंगे चाइल्ड क्लास। बात समझ में आ रही? उसको हम बेस क्लास भी बोल सकते हैं, तो ये होंगी डिराइव्ड क्लास। उसको अगर मैं सुपर क्लास बोलूंगा तो ये होंगी सब क्लास। तो ये था एग्जांपल इनहेरिटेंस का। तो अब लास्ट प्रिंसिपल देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म,
इसका पहले मतलब देख लेते हैं, आधा काम तो वहीं पूरा हो जाएगा अगर हमने मतलब समझ लिया। पहले मॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। अब इसका क्या मतलब होता है, तो देखो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मैनी फॉर्म्स ये होता है कि जब कोई मेंबर मेथड हमारा अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन में बिहेव करता है उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मैं अगर अपने टीचर के पास जाऊँ तो मैं टीचर के लिए मैं क्या हूँ, स्टूडेंट, मतलब तब मेरी फॉर्म बन जाती है स्टूडेंट। अगर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके लिए मैं क्या हूँ, मेरी फॉर्म क्या है, मैं आपके लिए हूँ टीचर। मतलब मैं एक ही टाइम पर, आदमी तो एक ही हूँ ना, लेकिन अपने टीचर के लिए मैं क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ, और आपके लिए मैं क्या हूँ, टीचर हूँ। मतलब मेरी दो फॉर्म तो आपने देख ली, टीचर भी स्टूडेंट भी। अगर ऐसे मैं कहीं जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं पर काम करता हूँ, तो वहाँ पर मेरी क्या फॉर्म हो जाएगी, मैं वहाँ पर हो जाऊँगा एम्प्लॉई। तो मतलब आदमी तो एक ही हूँ ना, ऐसा तो नहीं अभी टीचर के पास जाऊँगा तो कुछ और हो जाऊँगा, अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो कोई और हूँ, आदमी तो वो सेम हूँ। लेकिन आपके सामने जब मैं हूँ तो मेरी फॉर्म क्या है, एज अ टीचर। अगर अपने टीचर पे जाऊँ तो मेरी जो मैं हूँ, मेरी क्या फॉर्म बन जाएगी, स्टूडेंट। मतलब पर्सन सेम हूँ लेकिन एक सिचुएशन में स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहा हूँ, एक सिचुएशन में टीचर हूँ, एक सिचुएशन में एम्प्लॉय हूँ, ऐसी बहुत सारी फॉर्म हैं। तो मतलब जब एक ही चीज़ अलग अलग तरीके से अपने सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करती है उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जब एक चीज़ की मैनी फॉर्म हो जाती हैं। ये तो हमने देखा रियल लाइफ का एग्जांपल। अगर मैं प्रोग्रामिंग में बात करूँ वहाँ कैसे होगी पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म अगर हम प्रोग्रामिंग में देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, एक मेरे पास क्लास है, क्लास है उसका नाम है शेप, शेप्स, शेप्स नाम की क्लास है। इस क्लास में देखो, क्लास में दो चीज़ें होती है, मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड। तो फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान लो इस क्लास में मेंबर वेरिएबल नहीं है, सिर्फ मेंबर मेथड है, एक वॉल्यूम निकालने का, तो वॉल्यूम नाम का मेंबर मेथड है। अब ये जो वॉल्यूम नाम का मेथड है इसमें तीन मेथड हैं, वॉल्यूम नाम के तीन मेथड हैं, तीनों का नाम वॉल्यूम है, ठीक है। पहला जो मेथड है वो कोन की वॉल्यूम निकालने के काम में आता है, ठीक है, एक मेथड है वो वॉल्यूम निकालता है कोन की, सेम नाम है, एक निकाल देता है क्यूब की वॉल्यूम, ठीक है, एक क्यूब की वॉल्यूम निकालता है, एक निकालता है क्यूबॉइड की वॉल्यूम, एक निकालेगा क्यूबॉइड की वॉल्यूम। तो ये शेप्स क्लास के, शेप्स नाम की क्लास के तीन ऑब्जेक्ट हैं, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड। यहाँ पर मैं कोई इनहेरिटेंस शो नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये एरो का मतलब ये नहीं कि मैं इनहेरिटेंस ही ऐसा कुछ बता रहा हूँ, चलो इनको रबी कर देता हूँ। तो ये तीन ऑब्जेक्ट हैं इसके, कोन, क्यूब और क्यूबॉइड। अब ये इस क्लास के अगर ऑब्जेक्ट हैं तो इन पे वॉल्यूम नाम का मेथड आएगा। ये तो मैंने पढ़ा है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें जो भी क्लास है उसके सारे मेथड, सारे वेरिएबल, मेंबर वेरिएबल आते हैं। तो ये वॉल्यूम इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, लेकिन मैंने आपको पहले भी बता रखा कि किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होगा, वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट अलग हो सकता है। मैंने बताया था ना एग्जाम्पल लेकर के कि वॉशिंग मशीन में स्टार्ट होने का तरीका किसी एक का दूसरे से अलग हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये वॉल्यूम इम्प्लीमेंट इस ऑब्जेक्ट में किस तरीके से हो रहा वो डिफ़र कर सकता है कि वो इसमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा। और सीधी सी बात है, मुझे बताओ अगर मेरे को कोन की वॉल्यूम निकालनी है तो इसकी वॉल्यूम, क्यूब की वॉल्यूम और क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या सेम होती है, क्या सेम तरीका होता है निकालने का? नहीं, इनको निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। तो वही बात है, देखो तो मेथड का नाम सेम है लेकिन जब कोन को निकालने की बात आएगी तो जो इसका कोड होगा वो अलग होगा, जब क्यूब की वॉल्यूम निकालने की बात आएगी तो उसका कोड अलग होगा, जब क्यूबॉइड की बात आएगी तो उस समय वो वॉल्यूम मेथड अलग तरीके से बिहेव करेगा या उसका कोड अलग होगा। कहने का मतलब यह है चीज़ सेम है लेकिन उसकी अलग अलग फॉर्म है, मेथड्स वॉल्यूम ही है लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा, इसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये थे हमारे चार प्रिंसिपल जिनको हमने बड़े अच्छे से समझा, आई होप आपको भी बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करते हुए जाना, जल्दी अगले वीडियो में मिलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।